मैं बिग बॉस 16 से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस में लाइव फीड में दिखाया जा रहा है कि जो शालिन एंड प्रियंका चौधरी की दोस्ती है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बनती नजर आ रही है। और शालिन इसी के बीच में जब प्रियंका चौधरी के साथ बातें कर रहे होते हैं अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में बैठकर, वो कहते हैं कि प्रियंका कुछ भी हो जाए मैं ना अपनी मम्मा से तुम्हारी ना मुलाकात करवाऊंगा ही करवाऊंगा, और जब हम इस घर से बाहर जाएंगे ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी मम्मा से मिलवाऊंगा और मैं उनको दिखाऊंगा कि जो मेरी फ्रेंड है, जो मेरी सखी है, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा प्यारी है, और मैं दिल से खुश होऊंगा जिस दिन तुम मेरी मम्मा से मिलोगी। तुम्हारी ना बहुत सारी बातें जो मेरी मम्मा के साथ मिलती है ना, मुझे सच में इसलिए तुम्हारा और भी ज़्यादा प्यार आने लग जाता है। मुझे कभी कभी ऐसे फील होता है कि मेरी माँ है मेरे पास, और जब कई बार तुम मुझे डांट कर भी प्यार से भी समझाती हो ना तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मेरी माँ समझा रही है। तो प्रियंका चौधरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कह देती है कि रे भाई सबको क्या हो गया, सब मुझ में ही अपनी माँ को क्यों देख रहे हैं। और बाद में खुश हो जाती है कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि शालिन आप मुझे अपनी माँ के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, और कहती है कि सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब मैं अपनी दूसरी माँ से मिलूंगी। और शालिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है प्रियंका के मुँह से ये बात सुनकर, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रियंका सच में तुम अगर मेरी मम्मा से मिलोगी ना तुम दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड ही बन जाओगे क्योंकि तुम्हारी और मम्मा की सोच बिल्कुल मिलती है। तो आपको भी क्या लगता है कि जो प्रियंका चौधरी के लिए शालिन फील कर रहे हैं क्या वो बहुत अच्छी बात है, और आप कितनी खुश है प्रियंका चौधरी की इन बातों से? तो प्लीज़ आप अपनी राय हमसे शेयर जरूर कीजिए और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।